मेरा नाम गंधर्व पटेल है, मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। मेरे घर में मेरे माता जी हैं, पिताजी हैं और एक मेरे बड़े भाई हैं, दादा दादी हैं, चाचा हैं और परिवार तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मोटिवेटिंग फैमिली है जो हमेशा से हर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करती रही है। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हुआ है इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स कोर्स में। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्ट किया, तो मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया। आफ्टर दैट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया PCHJ वैकेंसी के लिए, तो 610 पदों की वैकेंसी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहे। प्रेशर थे तो थोड़ी तैयारी में भी उतना अच्छी तैयारी नहीं थी, तुरंत तुरंत पास आउट हुए थे। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी वैकेंसी छोड़ना एक बेवकूफ़ी होगी, तो मैंने उसके लिए ऑप्ट किया, मैंने भरा। मैं वैसे तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे UPSC की तैयारी करनी थी, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज देयर, बट इतनी भारी वैकेंसी आ गई कि उसके वजह से फिर मैं सोचा पहले इसको ले लेते हैं, क्योंकि 5 साल आप अगर लॉ में रहे हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है कंपेरेटिव टू UPSC वेयर देयर इज़ अ मोर चांस ऑफ रिस्क। तो उस हिसाब से मैंने इसको दिया, काफ़ी क्लासेस बंक हो गई इसलिए मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा अपना मास्टर्स, और ऊपर वाले की कृपा कह लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद, लोगों की काफ़ी दुआ रही कि 5th रैंक आ गई, जो कि अगर मुझे कोई पूछता तो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि 5वीं रैंक आ जाएगी, पर आ गई। और अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने LLB में काफ़ी हद तक मेहनत की है सिर्फ सेमेस्टर्स में, तो आपको शायद जुडिशरी इतनी टिपिकल नहीं लगेगी, बहुत इजी एग्ज़ाम होते हैं, थोड़े से स्टेट वाइज ओरिएंटेड होते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये मैटर करता है, आपको उस तरीके की तैयारी, आपको उस तरीके से LLB में आपको खुद को ढालना पड़ता है। अगर आपने इस तरीके से खुद को फ्रेम कर रखा है तो कोई इतनी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। रही बात, काफ़ी हद तक लोगों को इस चीज़ में डाउट होता है कि कोचिंग करें या ना करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से मेरा ग्रेजुएशन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो इतने कोचिंग्स के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे जब आप बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे आप, तो आपको एक या दो ऑप्शन मिलते हैं। तो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था उस वक्त लोगों, काफ़ी आदमी इधर उधर थोड़ा सा तलाश करता है कि करें तो क्या करें, तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तो लोगों ने कहा कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो कर लें। तो लखनऊ में एक प्रबुद्ध एकेडमी करके हमारे सर हैं TR सिंह सर, तो उनके यहाँ मैंने ज्वाइन किया 3rd ईयर में, और मैं 1 साल लमसम कोचिंग अपने ग्रेजुएशन के वक्त ही किया था, और वो शायद वही मेरे हिसाब से कोचिंग थी, बट कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी मेरी वहाँ रही नहीं क्योंकि सेमेस्टर चल रहे थे, इतने ज़्यादा हम कोचिंग्स को लेकर सिंसियर नहीं थे, इतने ज़्यादा हम जुडिशरी को लेकर सिंसियर नहीं थे, और तब तो और बिल्कुल नहीं थे क्योंकि UP आप जानते हैं जुडिशरी की वैकेंसीज जो होती हैं वो रेगुलर नहीं आती, तो ये भी सर्टेन नहीं था कि हम पास होंगे तो उस साल वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो उस अनसर्टेनिटी के चलते रेगुलरिटी कोचिंग में मेंटेन हुई। तो एज सच मैं ये कहूँगा कि कोचिंग जाना LLB के वक्त तो मुझे लगता है ठीक नहीं था उतना, क्योंकि आप अपने सेमेस्टर्स को उतने अच्छे से नहीं कवर कर सकते हैं, आपके क्लास में कुछ और चलेगा, आपके कोचिंग में कुछ और चलेगा, बट अगर आप LLB कंप्लीट करने के बाद कोचिंग का कहते हैं तो मुझे एज सच मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसकी कभी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने LLB ढंग से करी है, सेमेस्टर्स में अगर आपने ढंग से पढ़ा है। इतनी चीज़ें हो गई, अब आपको बेसिकली स्ट्रेटजी पे हमें डिस्कस करना चाहिए दैट हाउ वन शुड प्रिपेयर फॉर UP और अदर स्टेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट फर्स्टली यू शुड हैव डिसाइडेड दैट इन विच स्टेट यू आर गिविंग इट अ प्रेफरेंस, विच स्टेट इज एट योर प्रेफरेंस, वेयर इज़ योर प्रायोरिटी। मेरा होम स्टेट उत्तर प्रदेश था तो मुझे ये लगता था कि मुझे उत्तर प्रदेश में ही रहना है, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर मैं कहीं अलग जाके जुडिशरी में रहता भी हूँ तो मुझे लगा कि मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाऊँगा अपने घर वालों से दूर रह के, या उनके पास शायद मुझे साल में एक बार मिले, तो इसलिए मैं अदर स्टेट ऑप्ट करने की भी नहीं सोच रहा था। मैंने हरियाणा जुडिशरी दिया, बिहार जुडिशरी दिया, दोनों का प्री निकला, पर मैंने मेंस छोड़ दिया क्योंकि किन्हीं कारणों से मेरा मेंस मैंने गया, तब तक मेरा UP का मेंस हो चुका था और पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, कॉन्फिडेंस था,
थोड़ा सा तो आप जानते हैं तैयारी के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, कभी लगता है होगा कि नहीं होगा, वो हर किसी के साथ होता है, दैट्स कॉमन। उसमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लास्ट डे तक लगा था, मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो भी मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, मैं इंटरव्यू दे के आया तो भी मुझे डर लग रहा था क्या होगा, रिजल्ट इतना सडन रिलीज़ हुआ, इतना सडन मेरे पास न्यूज़ पहुँची, मुझे लगा मतलब सब कुछ बिल्कुल यूनिक था, मैं कुछ उसके बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो बड़ी अलग सी फीलिंग थी। बट आप कभी एक्सेप्ट मतलब ये चीज़ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कभी कि आपकी जो रैंक है वो फिफ्थ आ जाएगी या फर्स्ट आ जाएगी, तो ऐसा सच मैंने भी कभी नहीं सोचा था। बस मुझे एक सीट चाहिए थी, जो मुझे मैंने कभी सोचा था कि एक सीट मिल जाएगी, बट रैंक तो मैंने नहीं सोची थी, मिल गया। उसके लिए हर किसी का बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता हैं, भगवान हैं, हर किसी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने की। तो पहली चीज़ तो आप जानते हैं कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज में तीन स्टेज होते हैं, आप किसी भी जगह जुडिशियल सर्विसेज देंगे, लोअर जुडिशियरी, तो आपको तीन स्टेजेस तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स, सेकंड इज़ मेंस, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो अगर हम यूपी जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े से मेंस के कंपैरिजन में एक आध सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि कुछ सब्सटैंटिव लॉ के पोर्शन है जो आपको प्री और मेंस दोनों में मिलेंगे, बट कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली जो प्री में ज़्यादा फोकस करने का सब्जेक्ट होता है जो मेंस में नहीं आता, जैसे कि जूरिस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये दो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरिट्स मुझे जहाँ तक लगते हैं कि सब्सटैंटिव में आपके आईपीसी हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सारे सब्जेक्ट तो जनरल होते हैं, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो जो एक बार पुटअप हो चुके हैं वही बार बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मेट बदल के रिपीट किए जा रहे हैं। कोई खास डिफरेंस मैंने नहीं फील किया क्वेश्चंस में। अगर आप मुझे लगता है 10 साल का भी अनसॉल्व लगाएंगे तो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं वो एटलीस्ट कवर तो हो ही जाएंगे 10 साल के अनसॉल्व में, इतने बार पूछे जा चुके हैं। तो जो मेजर पोर्शन है जिनका कोई अपना सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है वो है जूरिस और दूसरा इंटरनेशनल लॉ। तो प्राइमरी फोकस आप रखिए अपना एक जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी सब्जेक्ट तो आपके मेंस के पर्पस से चलेंगे। इसके बाद में प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है आपसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। कभी कभी वहाँ पे जैसे पूछा जाता है विच वन इज़ करेक्ट, कभी कभी पूछ लिया जाता है विच वन इज़ इनकरेक्ट, बट कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके वो कर देते हैं विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो अगर आप एमसीक्यू की हैबिट में होते हैं तो आप ये चीज़ें नोटिस कर पाते हैं जब वहाँ आप प्रेशर फील कर रहे होते हैं, पर अगर आप हैबिट में नहीं होंगे तो ये चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, आप करेक्ट समझ के लगा के चले आते हैं जबकि उसको इनकरेक्ट लगाना था विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको एमसीक्यू से प्री तो इतना दिक्कत नहीं करेगा, प्री बड़ा इजी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपने थियरी ढंग से पढ़ी है। बात यहाँ हो रही है कि अगर आपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो प्री के लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ आती है मेंस की, तो मेंस में कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं जो प्री में नहीं होते हैं, जैसे कि आपका टॉर्ट हो गया, आपका ट्रस्ट हो गया, इजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इक्विटी आपको वहाँ नहीं मिलता है प्री में, ये आपको मेंस में मिलता है। तो जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर राइटिंग स्किल। मुझे नहीं लगता कंटेंट तो वहाँ बैठने वाले जो कोई भी प्री निकाल करके आया है, आप ये मान लीजिए कि नॉलेज उसको बेसिक लॉज की एटलीस्ट होगी ही होगी, वो बेसिक प्रिंसिपल से उतना ही अवेयर है जितना आप अवेयर हैं। तो जो अंतर लाता है मेंस में, और सोल क्राइटेरिया भी मेंस है, मेंस के ही नंबर आपके रैंक भी डिसाइड करते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट भी डिसाइड करते हैं कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मेंस में मेरे हिसाब से अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपनी राइटिंग स्किल पे ध्यान दें, क्वेश्चन की फ्रेमिंग को ध्यान दें। इसमें कुछ स्पेसिफिक अलग से बताने जैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में इतना छोटी सी आधे घंटे की क्लिप में आप क्या क्या मुझसे पूछ लेंगे, बट सब्जेक्ट ये मैं कहूँगा कि आप थियरी अपने सेमेस्टर से अगर पढ़े हुए हैं तो थियरी में दिक्कत नहीं आएगी। रही बात राइटिंग स्किल की, तो उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। इस बार यूपी पीसीएसजे की 2018 की जो वैकेंसी थी, इसमें मेंस के पेपर में फर्स्ट पेपर था सब्सटैंटिव का। आप अगर उसको बहुत गौर से अगर आपने पेपर देखा हो तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको
आर्टिकल 21 का बिल्कुल प्रोविजन मिला होगा दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं लगता कि एक भी लड़का जो लॉ मींस लीगल बैकग्राउंड का है और उसको वो प्रोविज़न ना पता हो. आर्टिकल 21 बिल्कुल बेसिक ह्यूमन नेचर का है जो हर एक इंसान को शायद पता हो, बस हम लीगल फील्ड के होते हैं इसलिए हमको स्पेसिफिक प्रोविज़न पता होता है, वो सबको पता होता है. बात होती है अब हम लीगली उसको कैसे एनालिसिस करते हैं उस क्वेश्चन का. तो जब हम आप देखेंगे इन चीज़ों को तो वहाँ बैठे हुए जैसे 6000 लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया तो 6000 लोगों में मुझे नहीं लगता कोई एक भी सिंगल इंडिविजुअल होगा जिसको आर्टिकल 21 ना आता हो, जिसको वो लाइन ना पता हो. बट उस आंसर की फ्रेमिंग जो है वो हर चीज़ डिसाइड करती है. आपके पास कोई लिमिट नहीं है वर्ड लिमिट की कि आप कितना ज़्यादा लिखते हैं कितना कम लिखते हैं. आर्टिकल 21 उस नेचर के है कि आप उस पर एक थीसिस तैयार कर सकते हैं, आप एक किताब लिख सकते हैं, आपको मतलब कंटेंट की तो कमी कभी हो ही नहीं सकती. तो मेंस में आपको 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर में समराइज़ करना एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है. शायद वही एबिलिटी है जो अकेले आपको डिसाइड करवा सकती है कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे. अगर आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट हर आदमी कहीं ना कहीं से जुटा ही लेता है. कंटेंट की इतनी कमी किसी के पास नहीं होती. जो प्री क्वालिफाई करके आएगा उसको मेंस में इतनी दिक्कत नहीं होगी. जो मेजर प्रॉब्लम है वो राइटिंग स्किल है, आंसर फ्रेमिंग है. आप क्या ही कर लेंगे अगर आपसे आर्टिकल 21 में एट रैंडम पूछ लूँ तो शायद आप भी एक बार हक्के बक्के हो जाएं. ए के गोपालन और मेनका गांधी के बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाएं कि अब आगे बताएं तो क्या बताएं. सब कुछ तो है, आप उससे प्राइवेसी भी निकाल सकते हैं, आप उससे डिग्निटी भी निकाल सकते हैं, आप उससे लीवलीहुड भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो आप वहाँ क्या लिखेंगे आंसर. तो जो आपको फोकस करने की चीज़ है मेंस में, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अलग से डेवलप करनी पड़ेगी. आप बैठ रहे हैं, आप दिन में जितनी भी स्टडीज़ कर रहे हैं उसका एटलीस्ट 1/3 तो आप दीजिए अपनी राइटिंग स्किल को, अपने इसको दीजिए. इससे आपके पेपर लैंग्वेज का पेपर भी डेवलप होगा. ऐसा तो है नहीं कि आप आंसर राइटिंग स्किल आपकी जो आप डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लॉ में काम आएगी, वो आपके जीएस में भी काम आएगी क्योंकि जीएस भी बहुत वास्ट होता है. आपको नहीं पता क्या पूछा जाएगा, कब क्या होगा. तो वहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं वो सडन आपको फ्रेम करने पड़ते हैं और आपके पास वहाँ पर कंटेंट भी थोड़े डिफिसिट होते हैं, आपके पास कंटेंट बहुत कम होगा. तो जीएस में कोई ज़रूरी नहीं आपको हर टॉपिक के बारे में उतनी नॉलेज हो जो पूछा जा रहा है. तो वहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है. तो मुझे लगता है मेंस पूरी तरीके से राइटिंग स्किल पे बेस्ड है. अब इंटरव्यू पे जाने से पहले एक और इशू जो मैक्सिमम लोग रेज करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले प्री की तैयारी करें और प्री का रिज़ल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करें या पहले से ही मेंस की तैयारी प्री मेंस एक साथ करें. तो मैं पहले बता दूं कि एज सच कोई फार्मूला मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तैयारी प्री मेंस अलग कैसे हो सकती है. पढ़ना आपको प्री में भी वही लीगल सब्जेक्ट है, पढ़ना आपको मेंस में भी वही लीगल सब्जेक्ट है, पढ़ना आपको वही जीएस प्री के लिए भी है. 150 नंबर का आपका प्री का पेपर होगा एक जनरल स्टडीज़ का, उसी तरह 200 नंबर का एक मेंस में रिटन पेपर होगा जीएस का. जब पढ़ना आपको वो कंटेंट है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है. और अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि आप शुरुआत करिए मेंस से. अगर आपके अंदर कंटेंट है और आप उसको डेवलप कर रहे हैं आंसर राइटिंग स्किल, प्री कभी मैटर नहीं करता. प्री आप एमसीक्यू लगाएंगे तो प्री मुझे लगता है निकल जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं प्री के लिए रिपीटिव होते हैं, अक्सर रिपीट हुए हैं. मुझे लगता है अगर आप 10 साल का क्वेश्चन उठाएंगे तो एक ही टॉपिक से आपको 10 साल में 8 साल के क्वेश्चन मिले होंगे. टॉपिक कोई एज सच अलग नहीं होते. अब आते हैं इंटरव्यू पे. मुझे जो पर्सनल मेरी जो वीकनेस मुझे पता चली वो मुझे इंटरव्यू में पता चली, जो शायद इस इंटरव्यू में भी आपको दिख रही होगी. थोड़ा सा लैग कर रहे थे, थोड़ी नर्वसनेस आती है, वो वहाँ भी फील हो रही थी. तो मैं कोचिंग के लिए ऐसे तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोचिंग ऑप्ट करें, आप कहीं तैयारी करें. अगर आप सेमेस्टर्स में पढ़ा रहे हैं, आपके पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होते हैं, आपके कॉलेजेस में प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास काफ़ी एबिलिटी होती है, तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर क्यों भरोसा कर रहे हैं. आप जा करके अपने प्रोफेसर से मिलेंगे और अगर उनसे आप एक सवाल पूछते तो ऐसा नहीं है कि वो आपको डिनाई कर देंगे कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं बताऊँगा. और वैसे भी किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं हर आदमी किसी न किसी फील्ड में लैग करता है. तो अगर उनको नहीं भी आ रहा होगा तो वो एकेडमिशियन है. मुझे जहाँ तक लगता है एक हर एकेडमिशियन की एक अच्छी क्वालिटी होती है कि उसको जो नहीं आता है
वो भी वो पढ़ के आपको बताने की कोशिश करेगा, पर आपको डिनाई नहीं करेगा। तो प्री मेंस का आपका ऐसा हो गया, बट अगर आप इंटरव्यू पे आते हैं तो मैं उसके लिए डेफिनेटली कहूँगा कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूर जाना चाहिए। उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस मुझे पर्सनल फील हुई, जो मेरे साथ दिक्कत हुई एज सच की इतना कम ड्यूरेशन मुझे इंटरव्यू में आयोग से मिला, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी नहीं कर पाए थे अपनी इंटरव्यू के लिए। तो हमने एक मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया था, बट मैं वहाँ जा नहीं पाया। मैं सिर्फ गया था, फॉर्म फिल किया था, बट उसके बाद मैं कभी जा ही नहीं पाया। मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू वहाँ नहीं किया। हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ के प्रोफेसर से मिला था, उनसे मैंने पूछा था सर हाउ टू प्रेजेंट, और मुझे उस दिन अपनी कमज़ोरियाँ मैं एहसास हुई, उस दिन मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर ये कमियाँ हैं। मैं उन्हीं प्रोफेसर से जिनसे 5 साल इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, वो फीलिंग कि अगर मेरा नहीं होता है इस एग्ज़ाम में तो मैं क्या करूँगा, वो एक फीलिंग जो होती है वो आपके अंदर सारी की सारी कमज़ोरियाँ अपने आप ला देती है, और ये फीलिंग कभी आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि नहीं हुआ तो एक बार में हर आदमी को सब कुछ नहीं मिल जाता, नहीं हुआ तो फिर ट्राई तो कर ही लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, कोई एक्सप्रेस फार्मूला नहीं है कि एक बार जिसका नहीं निकलता उसका कभी नहीं निकलता। थर्ड अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट आराम से आप दे सकते हैं। पर मुझे उस दिन उन प्रोफेसर से डर लग रहा था, जो शायद जिनसे मैं इतना फ्रेंडली था, जिनसे मैं इतना फ्रेंडली बिहेव करता था, हम लोग बहुत अच्छे से बात किया करते थे, वो भी बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। उस दिन आई वॉज शिवरिंग लाइक आई कॉन्ट टेल एनी। वो जो डर था मेरा इंटरव्यू का, वो इतना था कि मैं शायद 2 या 3 दिन तो इंटरव्यू के लिए फिर कुछ पढ़ भी नहीं पाया। इतना डर था कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और काफ़ी हद तक आप इसलिए भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो इसके लिए आपके पास दिल्ली न्यूज़ ट्रैक है, और भी बहुत सी जगह आपको सोर्स ऐसे हैं जो मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं पे लोग आपको बता देंगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से करने हैं जी। मेरे पास भी उस सोर्स की थोड़ी सी कमी थी, पर कुछ सीनियर थे जो इससे पहले निकाल चुके हैं जुडिशियल सर्विसेज, तो उनसे मैंने काफ़ी हद तक फिर बाद में बात की, तो थोड़ा उन्होंने मुझे कंफर्ट किया, रिलैक्स किया। मेरे सीनियर्स थे, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ जो उन्होंने मेरी मदद की उस वक्त। और काफ़ी हद तक जब मैं इंटरव्यू देने गया आयोग में, तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैं समझ सकता हूँ वो था जो शायद क्लासरूम में मेरा होता था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज सिटिंग एट माई होम। बहुत अच्छा लग रहा था वो कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कि अगर रोज़ की दिनचर्या में हो जाए, जो उस दिन मेरे पास इंटरव्यू के दिन था, मैं बता सकता हूँ आई कैन डू एनी थिंग। बहुत अच्छा था। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें फील ही नहीं होंगी कि अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल बहुत फ्रेंडली होते हैं जो मेंबर्स बैठेंगे आपके साथ इंटरव्यू में, बहुत फ्रेंडली होते हैं वो, आपको रिलैक्स करेंगे, आपको कंफर्ट करेंगे, आपसे 2-4 ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके डेली रूटीन के होते हैं, या आपके आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो उसमें आपको रिलैक्स करने के लिए फिर वो सवाल धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, आपसे एक एक सवाल पूछेंगे, पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो आपको वहाँ फील ही नहीं होगा कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शायद कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे काफ़ी हद तक कई लोगों से सीख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगे, और मैं व्यूअर्स का भी थैंकफुल हूँ जो इसको देखेंगे, और दिल्ली नॉलेज नेटवर्क का भी। थैंक यू।